आवाज आ रही बेटा? फाइन, सो हम स्टार्ट करेंगे, कंटिन्यू करेंगे जनाब। हम अभी एब्जॉर्प्शन मार्जिन कॉस्टिंग चैप्टर पे थे, हमने मार्जिन कॉस्टिंग डिस्कस कर ली थी। सो टुडे वी विल कंटिन्यू विद एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग भी आज हम इसको खत्म करके चैप्टर फिनिश हो जाएगा, देन वी विल डू द प्रैक्टिस क्वेश्चंस। अच्छा जी, तो हमने बात की थी मार्जिनल कॉस्टिंग के ऊपर ना, मार्जिनल कॉस्टिंग का फॉर्मेट देखा था और मार्जिनल कॉस्टिंग भी बेसिक डिस्कशन की थी। अब हमने डिस्कशन करनी है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के ऊपर। तो सबसे पहले बात ना भी एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग क्या होता है, क्या होता है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के थ्रू एक यूनिट की कॉस्ट हम कैसे फाइंड करेंगे, क्या डिफरेंस होगा। हमने मार्जिनल कॉस्टिंग को डिस्कस कर लिया था, अब हम यहाँ पे एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की बात करेंगे कि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के थ्रू एक यूनिट की कॉस्ट हम कैसे फाइंड करते हैं। तो काइंडली बेटा रिप्लाई करें जरा, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के थ्रू एक यूनिट की कॉस्ट हम कैसे फाइंड करते हैं। हाँ जी, एक यूनिट की कॉस्ट यानी इफ अगर हम इन्वेंट्री की वैल्यू करना चाहते हैं, स्टडी टेक्स नीचे ये चैप्टर नंबर 4। अच्छा जी, तो मार्जिनल कॉस्टिंग के थ्रू एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में एक यूनिट की कॉस्ट हम कैसे फाइंड करते हैं, दिस इज द क्वेश्चन। सिंगल यूनिट कॉस्ट, ये इसमें पता चैप्टर वाइज था यार। हाँ जी बेटा, सब लोग रिप्लाई करें। वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री, इन्वेंट्री को कैसे वैल्यू करेंगे अकॉर्डिंग टू द एब्जॉर्प्शन कॉस्ट। सब लोग काइंडली रिप्लाई करेंगे। खोलो इसी, खोलो यार, एंड वाले खोलो सब। नहीं ये नहीं, चैप्टर नंबर ये देखो ना, हाँ जी क्या डिफरेंस है। मार्जिनल कॉस्टिंग में तो हमने बात कर ली थी, मार्जिनल कॉस्टिंग में तो हम एक यूनिट की जब कॉस्ट फाइंड करते हैं हम जस्ट वेरिएबल कॉस्ट लेते हैं, उस पर हमारी ये डिस्कशन थी, वी विल ओनली कंसीडर वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। लेकिन मार्जिनल कॉस्टिंग में क्या होगा, मार्जिनल कॉस्टिंग जस्ट वेरिएबल कॉस्ट है, लेकिन यहाँ पे एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में क्या होगा। तो बिल्कुल ये ठीक रिप्लाई किया है, हम इस पर डायरेक्ट मटेरियल लेंगे, डायरेक्ट लेबर लेंगे, वेरिएबल कॉस्ट लेंगे और फिक्स ओवरहेड्स। लेकिन एक मेन चीज बेटा यहाँ पे हमने याद रखी, हमें फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट देनी, यानी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की फर्स्ट कॉस्ट को वैल्यू करना। बेटा स्क्रीन मैंने आपके साथ शेयर की, स्क्रीन सबको स्क्रीन नजर आ रही है। हाँ जी बेटा, स्क्रीन आप सबको नजर आ रही है, फाइन। अच्छा, हमने बात की थी इसमें अब मार्जिनल कॉस्टिंग के, तो हम एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की बात करेंगे। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग क्या हो रहा होता है जनाब, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अंदर कॉन्सेप्ट अब्जॉर्ब। अब एब्जॉर्ब का वर्ड वही है जो हमने पढ़ा था, एलोकेशन, अपोर्शनमेंट, रीअपोर्शनमेंट और एब्जॉर्प्शन, ये वही कॉन्सेप्ट है। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अंदर हम क्या करते हैं, जब एक यूनिट की हम कॉस्ट फाइंड करते हैं, वन यूनिट कॉस्ट, तो कैसे फाइंड कर रहे होते हैं, यानी इन्वेंट्री को कैसे वैल्यू करेंगे। तो इन्वेंट्री भी हम लेंगे, इस इन्वेंट्री के लिए डायरेक्ट मटेरियल कितना लगाया गया, डायरेक्ट लेबर भी लेंगे जनाब, और वेरिएबल जितने भी हमारे पास वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के ओवरहेड, जस्ट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट की बात नहीं की जा रही,
और इसी तरह हमारे पास फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स, तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के जितने भी ओवरहेड्स है वो सारे इसमें इंक्लूड करें। तो एक यूनिट को बनाने के लिए डायरेक्ट मटेरियल सपोज 10 रुपीज का लगाया जा रहा है, डायरेक्ट लेबर सपोज 6 रुपीज की है, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड कितने सपोज 4 के लगाए जा रहे हैं, फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड कितने सपोज वो 5 के इंक्रीज किए जा रहे हैं, सबको ऐड किया हमारे पास क्या आ रहा है, दिस इज 25। 25 इज व्हाट, दिस इज फुल प्रोडक्शन कॉस्ट। हम अपनी ओपनिंग इन्वेंट्री को, क्लोजिंग इन्वेंट्री को इसी पे वैल्यू करेंगे, फुल प्रोडक्शन कॉस्ट। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की हमने फुल कॉस्ट यहाँ पे कैलकुलेट कर लेनी है, तो फुल प्रोडक्शन कॉस्ट लेंगे। मार्जिनल कॉस्टिंग अगर होता तो मार्जिनल कॉस्टिंग में जैसे बेटा हम वेरिएबल कॉस्ट लेते हैं, यहां तक लेते हैं, फिक्स कॉस्ट के वहां पे इंक्लूड हम नहीं कर रहे होते, क्योंकि ये एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है, तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अंदर फिक्स कॉस्ट को भी एब्जॉर्ब करना है। जब हम एक यूनिट की वैल्यू फाइंड करें होंगे, एक यूनिट की हम कॉस्ट फाइंड करेंगे, तो इसमें हम क्या करेंगे, एक यूनिट की कॉस्ट, तो एक यूनिट की कॉस्ट के लिए हम फिक्स कॉस्ट भी लेंगे और यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट भी लेंगे, फिक्स और वेरिएबल दोनों कॉस्ट को यहाँ पे हम कंसीडर कर रहे होंगे, यानी फिक्स कॉस्ट को हमने यहाँ पे एब्जॉर्ब करना है, इंक्लूड करना है, शामिल करना है। एक यूनिट की वैल्यूएशन के लिए हम फिक्स कॉस्ट को यहाँ पे कैसे एब्जॉर्ब करवाएंगे, एब्जॉर्प्शन के लिए भी वही कॉन्सेप्ट हमारे पास, एलोकेशन अपोर्शनमेंट रीअपोर्शनमेंट है, और रीअपोर्शनमेंट के बाद हम क्या करते थे, एब्जॉर्प्शन करते थे, यानी हम यहाँ पे एब्जॉर्ब कैसे करवा रहे होंगे, इस 5 को हम कैसे एब्जॉर्ब करवाएंगे, तो एब्जॉर्ब करवाने के लिए हम यहाँ पे फाइंड कर रहे हैं कोई ना कोई OAR ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट क्या है, उस रेट के थ्रू हम इसको एब्जॉर्ब करवा रहे होंगे। तो हम फाइंड करेंगे लाइक उसी तरह से कि हमारे पास बजटेड ओवरहेड कितने थे डिवाइड बाय बजटेड बेस कितनी थी या बजटेड एक्टिविटी लेवल कितना था, तो हम OAR फाइंड कर लेंगे, बजटेड ओवरहेड को बजटेड एक्टिविटी से डिवाइड करेंगे, हमारे पास ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट आ जाएगा, उस रेट के थ्रू हम ओवरहेड्स को एक यूनिट की कॉस्ट में हम एब्जॉर्ब कर लेंगे, शामिल कर रहे होंगे। तो OAR हम यहाँ पे कैलकुलेट करके, सपोज मेरे पास क्या OAR आता है, सपोज मैं कहता हूँ मेरे पास ओवरहेड्स हैं 50,000 के, ले जी हाँ जी, मशीन आवर कितने हैं, 10,000 मशीन आवर्स हैं, डिवाइड किया तो रेट क्या निकला, 5 पर मशीन आवर, तो मशीन का एक घंटा का चलेगा तो डिपार्टमेंट को ओवरहेड कितने इनकर होंगे, 5 के इनकर होंगे, 5 पर मशीन आवर है। तो अब मैं कहता हूँ एक यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए 1 मशीन आवर चाहिए, तो ठीक है तो मैं यहाँ पे बात करूंगा 5 × 1, तो मेरे पास 5 ही आ जाएगा, तो वो 5 हम क्या करेंगे यहाँ पे हम पुट कर रहे होंगे, यानी हम OAR फाइंड करेंगे। OAR कैसे फाइंड करते हैं, बजटेड ओवरहेड डिवाइड बाय बजटेड एक्टिविटी लेवल, तो OAR आ जाएगा, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। इस रेट के थ्रू हम इन डिपार्टमेंट्स के ओवरहेड एक यूनिट की कॉस्ट के अंदर हम एब्जॉर्ब करवा देंगे, इंक्लूड कर देंगे, हम शामिल कर रहे होंगे, सो दैट इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, जैसे हम एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का हम नाम दे रहे होते हैं। ठीक होगी बात यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर। अब यहां पे नई चीज ये भी है जनाब, हमें ये भी देखना पड़ेगा कि हमने ओवरहेड को एब्जॉर्ब तो करवा दिया, तो ओवरहेड अंडर एब्जॉर्ब भी हो सकते हैं, ओवरहेड हमारे पास ओवर एब्जॉर्ब भी हो सकते हैं, तो अंडर एब्जॉर्ब या ओवर एब्जॉर्ब उसको हम कैसे एडजस्ट करेंगे, तो अगर हमने हमारे पास ओवरहेड है वो हमने अंडर एब्जॉर्ब करवा दिए, ये ओवरहेड हमारे पास ओवर एब्जॉर्ब हो गए, तो अंडर ओवर को हम कैसे यहाँ पे एडजस्ट कर रहे होंगे, तो अंडर या ओवर एब्जॉर्प्शन का भी हमें यहाँ पे एडजस्ट करना पड़ेगा, तो वो जब हम फॉर्मेट बनाएंगे उसके अंदर हम इसको हम एडजस्ट कर रहे होंगे, तो फॉर्मेट थोड़ा सा देख लेते हैं बेटा, फॉर्मेट क्या है इसके अंदर, हाँ जी क्या फॉर्मेट है, सबसे पहले नॉर्मली तो हम सेल लेते हैं, उसी तरह से सेल सेलिंग प्राइस लेंगे, उसको नंबर यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, सेल आ जाएगा, इसमें तो कोई नई चीज नहीं है, सेल सेल में से माइनस करते हैं हम कॉस्ट ऑफ सेल, हाँ जी कॉस्ट ऑफ सेल क्या होगा, कॉस्ट ऑफ सेल में सबसे पहले हम लेते हैं ओपनिंग इन्वेंट्री, हमारे पास ओपनिंग इन्वेंट्री क्या है, अच्छा ओपनिंग इन्वेंट्री को हमने वैल्यू किस पे करना है, हमने इसको वैल्यू करेंगे फुल प्रोडक्शन कॉस्ट के, तो फुल प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी लगाई जा रही है, फुल प्रोडक्शन कॉस्ट लेंगे इसकी, फुल प्रोडक्शन कॉस्ट क्या है, इसमें ऐड करेंगे डायरेक्ट मटेरियल, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जितनी भी कॉस्ट लगाई जा रही है, डायरेक्ट मटेरियल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट लगाया जा रहा है, डायरेक्ट लेबर ये भी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट लगाया जा रहा है, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स ये भी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कॉस्ट इनक्लूड की जा रही है, फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स ये भी हमारे पास प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में कॉस्ट इनक्लूड की जा रही है, इसी तरह बेटा हमारे पास फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स भी आ गया। अब यहाँ पे आएगा हमारे पास क्लोजिंग इन्वेंट्री, अब क्लोजिंग इन्वेंट्री ले लेंगे जनाब कितनी हमारे पास, अब इसको भी किस पे वैल्यू करेंगे हम, फुल प्रोडक्शन कॉस्ट पे जनाब,
अब फुल प्रोडक्शन कॉस्ट का मतलब क्या है, उसी तरह से हम जैसे अभी अभी हमने फाइंड की थी, अभी मैंने जब ऊपर ये फाइंड की थी एक यूनिट के लिए, ये क्या फाइंड किया, ये दिस इज अ फुल प्रोडक्शन कॉस्ट, दैट इज दिस इज 25। ये 25 क्या है मेरे पास, ये 25 मेरे पास फुल प्रोडक्शन कॉस्ट, तो ये 25 मेरे पास फुल प्रोडक्शन कॉस्ट, इसको मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ यूनिट्स, जितने नंबर ऑफ यूनिट्स हमारे पास होंगे, तो नंबर ऑफ यूनिट्स अगर ओपनिंग इन्वेंटरी से मल्टीप्लाई करेंगे ओपनिंग वैल्यू आ जाएगी, क्लोजिंग से मल्टीप्लाई करेंगे क्लोजिंग आ जाएगी हमारे पास, तो फुल प्रोडक्शन कॉस्ट पे हमने इसको वैल्यू करना होता है यहाँ पे। तो ठीक है, फुल प्रोडक्शन कॉस्ट पे हम इसको वैल्यू करेंगे, तो ओपनिंग स्टॉक प्लस ये सारी चीजें आ जाएंगी, माइनस ये क्लोजिंग कर देंगे हमारे पास, तो वैल्यू आ रही होगी। अब यहां पे कॉन्सेप्ट अंडर ओवर का भी है यार, ये जो ये दिस इज व्हाट, ये क्या है, ये मैं ओवरहेड्स को अब्सॉर्ब करवा रहा हूँ, फिक्स ओवरहेड्स को यहाँ पे अब्सॉर्ब करवा रहे होंगे। अब कैसे अब्सॉर्ब करवा रहे हैं, अब हमें यहाँ पे फाइंड करना पड़ेगा, इन थोड़ा हम यहाँ पे वर्किंग कर लेंगे यार, कि हमारे पास क्या था, यहाँ पे हमारे पास ओवरहेड अब्सॉर्ब कितने और एक्चुअल ओवरहेड कितने थे, यानी हम यूं भी यहाँ पे क्या करेंगे, हम ओवरहेड अब्सॉर्ब दे रहे हैं, ये क्या है, यानी ओआर यूं कर लें कि मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा एक्चुअल एक्टिविटी लेवल के साथ, वो जो वैल्यू फाइंड करते थे बेटा पिछले चैप्टर में, ये हमारे पास अब्सॉर्ब्ड ओवरहेड्स आ जाएंगे जो हमने अब्सॉर्ब करवाए होंगे। अब यहां से माइनस कर लूंगा मेरे एक्चुअल ओवरहेड्स हैं कितने जो मैंने पे किए हैं, ये वैल्यू आ जाएगी मेरे पास। अब आंसर क्या आता है, अगर आंसर पॉजिटिव है तो ओवर एब्सॉर्ब, अगर आंसर नेगेटिव है तो ये क्या होगा मेरे पास, अंडर एब्सॉर्ब। तो ओवर एब्सॉर्ब या अंडर एब्सॉर्ब इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे एडजस्ट करके, अगर तो अंडर एब्सॉर्ब है, अगर मैं यहाँ पे बात करूं कॉस्ट के अंदर, अगर तो अंडर एब्सॉर्ब है दिस इज, ये मेरे पास वैल्यू आ रही है दिस इज, इसको यहाँ पे ला के मैं कॉस्ट में एड कर लूंगा, ये मेरी कॉस्ट है। अगर वो ओवर एब्सॉर्ब होगा नेगेटिव है तो इसको मैं यहां से माइनस कर दूंगा, यानी अंडर एब्सॉर्ब है कॉस्ट में ऐड होगा, कॉस्ट टू सेल में ऐड हो जाएगा, ओवर एब्सॉर्ब है हमारी कॉस्ट टू सेल में से माइनस हो जाएगा, अंडर एब्सॉर्ब है हमारा लॉस है हमारी कॉस्ट है, तो कॉस्ट हम इसको कॉस्ट में ऐड कर लेंगे, ओवर एब्सॉर्ब है तो वो हमारा प्रॉफिट है हमारा बेनिफिट है, तो कॉस्ट में बेनिफिट ऐड नहीं होता, कॉस्ट में से बेनिफिट हमेशा माइनस ही हो रहा होता है, तो ठीक है, तो फिर इसको यहां से हम क्या करेंगे माइनस कर लेंगे, तो माइनस करके जो वैल्यू आएगी दैट इज कॉल्ड ग्रॉस प्रॉफिट, वो मेरे पास क्या आएगा बेटा ग्रॉस प्रॉफिट। अब यानी अभी मैंने क्या किया है कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की सारी कॉस्ट मैंने माइनस की है, अब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की सारी कॉस्ट को यहां से माइनस कर सका कर चुका हूं। आप देख सकते हैं फिर एक दफा दोबारा बेटा, यानी सबसे पहले हमने क्या ली है सेल ली है, कि सेल हमारे पास क्या है, अब सेल ली है ये वैल्यू कुछ और मैं लिख रहा हूँ, ये और चीज नहीं है, ये तो मैंने एंट्री वैल्यू बता रहा हूँ, ये सेल मेरे पास आ गया, सेल में से क्या माइनस करूं मैं कॉस्ट ऑफ सेल, ये कॉस्ट ऑफ सेल का मतलब क्या होता है वैसे, कॉस्ट ऑफ सेल का मतलब होता है कि जो आप सेल कर रहे हैं उसकी कॉस्ट क्या है, उसकी कॉस्ट का मतलब उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट क्या है, कि जो चीज आप मार्केट में सेल कर रहे हैं इसको बनाने की कॉस्ट क्या है, उसकी उसको प्रोड्यूस करने की कॉस्ट क्या है, दैट इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ सेल, यानी कॉस्ट ऑफ सेल का मतलब क्या होता है, उसको प्रोड्यूस करने की कॉस्ट, उसको बनाने की कॉस्ट, उसकी प्रोडक्शन की कॉस्ट, तो वो प्रोडक्शन की जो कॉस्ट है वो हमने यहां पर ली हुई है, तो ठीक है, तो वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में कौन कौन सी कॉस्ट लगाई जा रही है, एक तो हमारे पास ये ओपनिंग इन्वेंट्री है क्लोजिंग इन्वेंट्री, ये तो लेने लेना हमने यहाँ पे, ये इन्वेंट्रीज है, इसके अलावा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जितनी भी कॉस्ट लगाई जा रही है, लाइक इस सिनेरियो में हमारे पास क्या आ रहा है, इस सिनेरियो में मेरे पास डायरेक्ट मटेरियल है, डायरेक्ट लेबर है, वेरिएबल ओवरहेड्स है, फिक्स ओवरहेड्स है, सब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कॉस्ट है, क्लोजिंग की कॉस्ट मैंने यहां से माइनस कर दी बेटा, क्लोजिंग कॉस्ट माइनस करने के बाद अंडर या ओवर एब्सॉर्ब उसका भी मैंने कॉन्सेप्ट यहाँ पे अंडरस्टैंड करवा दिया, कि अंडर या ओवर जितना भी होगा हम उसको क्या करेंगे यहाँ पे, उसको हम एडजस्ट कर रहे होंगे, दिस इज ये अंडर या ओवर की हम यहाँ पे एडजस्टमेंट कर देंगे, क्योंकि कॉस्ट में एडजस्टमेंट करें, कॉस्ट और सेल के अंदर एडजस्टमेंट कर रहे हैं। अच्छा पूछा सर ये अगर पॉजिटिव में आंसर आया, बेटा ये आप पे डिपेंड कर रहा है, अगर पॉजिटिव में आंसर आया तो ये अब डिपेंड कर रहा है, अगर पॉजिटिव में आंसर आया तो ये ओवर एब्सॉर्ब होगा, हाँ जी बिल्कुल ओवर एब्सॉर्ब है तो यहां से माइनस होगा, अगर नेगेटिव में आया तो वो कॉस्ट है मेरी, कॉस्ट है तो यहाँ कॉस्ट पे बाकी सब मैं इसको ऐड कर लूंगा, तो ये डिपेंड कर रहा था कि आपने इसको कैसे किस तरह से ट्रीट करना है, ठीक हो गया, यानी आप डायरेक्ट प्रॉफिट में लेके जा रहे हैं तो ओवर एब्सॉर्ब प्रॉफिट में ऐड होता है, अगर कॉस्ट में लेके जा रहे हैं तो ओवर एब्सॉर्ब कॉस्ट में से माइनस होता है, अब आप पे डिपेंड करता है कि आपने साइन कौन से रखे हुए, यानी सारे कॉस्ट को अगर पॉजिटिव साइन ले रहा हूं तो उसमें मैं ओवर एब्सॉर्ब जो है वो मैं उसमें से माइनस करवाऊंगा, अगर उसके पहले साइन नेगेटिव है तो उसमें मैं पॉजिटिव ऐड करूंगा यहाँ पे, तो लाइक दिस अल्टीमेटली कॉन्सेप्ट इज दैट ओवर एब्सॉर्ब कॉस्ट में से माइनस होता है, अंडर एब्सॉर्ब कॉस्ट में एड होता है, दिस इज
तो ठीक है, हम यहाँ पे इसको यहाँ पे क्या कि इन तमाम को हमने ट्रीट कर दिया, ट्रीट करके हमारे पास क्या आ रहा है, ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है। अब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की सारी कॉस्ट हमने यहां से माइनस कर दी, तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की सारी कॉस्ट हमने यहां से माइनस कर दी है, तो हमारे पास क्या आ गया, ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की सारी कॉस्ट माइनस की, हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। अब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अलावा बाकी जितनी भी डिपार्टमेंट है उसकी कॉस्ट हम यहाँ से माइनस कर रहे होंगे। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अलावा बाकी कौन कौन से डिपार्टमेंट बेटा, तो एडमिन डिपार्टमेंट हो गया, तो हमारे पास एडमिन की जितनी भी कॉस्ट है, एडमिन सेलिंग कॉस्ट, एडमिन डिपार्टमेंट कॉस्ट, सेलिंग कॉस्ट वो यहां से माइनस कर देंगे हम, मार्केटिंग कॉस्ट, फाइनेंस कॉस्ट, आईटी कॉस्ट, यानी प्रोडक्शन के अलावा बाकी जितने भी डिपार्टमेंट, तमाम डिपार्टमेंट की कॉस्ट मैं यहां से माइनस कर दूंगा। माइनस करने के बाद फिर जो मेरे पास आंसर आएगा दैट इज कॉल्ड नेट प्रॉफिट। हाँ जी, यहां तक कोई इशू, कोई कंफ्यूजन बेटा, यहां तक कोई सवाल, इज इट क्लियर? यहां तक कोई मसला? स्टडी टेक्स्ट पे जरा आ जाते हैं हम, स्टडी टेक्स्ट में हमारे पास ये क्वेश्चन हमने देख लिए थे। अब हम यहां पे एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के थ्रू चलते हैं, तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के थ्रू चलते हैं बेटा। हमारे पास क्या है यहां पे, अब आप यहां देख सकते हैं कि एक फॉर्मेट सा बना हुआ है, उसमें आप वैल्यू देख सकते हैं कि सबसे पहले हमें क्या फाइंड किया, सेल फाइंड की हुई कि हमारी सेल कितनी। अब उसमें से हमने क्या लिया, ओपनिंग इन्वेंट्री एट फुल प्रोडक्शन कॉस्ट, ओपनिंग इन्वेंट्री लिए कि ओपनिंग नंबर ऑफ यूनिट्स कितने, उसको फुल प्रोडक्शन कॉस्ट से मल्टीप्लाई किया, तो ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू मेरे पास आ गई है। बच्चा कह रहा है हमने पिक लेनी है, एक मिनट बेटा, जरा एक मिनट, यू कैन टेक द पिक, वेट 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 वेट। हाँ जी, किस चीज की पिक लेनी है आपने? ले जी, यहां से ले लें आप। फिर आप यहां से ले लें। फिर आप यहां से ले लें। हाँ जी, सवाल पे आते हैं हम, तो सवाल पे हम बात कर रहे थे। सबसे पहले हम सेल, ये सेल आपके सामने है, इसमें से हम लेंगे ओपनिंग इन्वेंट्री। ओपनिंग इन्वेंट्री क्या है कि उस फुल प्रोडक्शन कॉस्ट पे वैल्यू कर रहे थे यहां पे, तो इसको फुल प्रोडक्शन कॉस्ट पे वैल्यू करेंगे हम। अब इसके बाद ओपनिंग इन्वेंट्री के बाद हम क्या लेते हैं, हमारे पास प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जितना भी डायरेक्ट मटीरियल है, डायरेक्ट लेबर है, प्रोडक्शन ओवरहेड्स। अब ये ओवरहेड्स को हमने कैसे अब्सॉर्ब करवाया होगा, कोई ना कोई बेस ली होगी, ओआर निकाला होगा, उसको मल्टीप्लाई करवाया, ओवरहेड्स अब्सॉर्ब होंगे यहां पे। ये बल हमने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की, फुल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की कॉस्ट लेनी, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कितनी कॉस्ट लगाई जा रही है। उसके बाद हमने यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक लिया, क्लोजिंग स्टॉक में क्या होता है, नंबर ऑफ यूनिट्स लिए, उसका मल्टीप्लाई किया हमने, क्लोजिंग स्टॉक आ गया, ये हमारे पास प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की कॉस्ट आ गई। अब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की कॉस्ट के अंदर हमने क्या किया, अंडर ओवर की एडजस्टमेंट हो गया हमारे पास, ये अंडर ओवर की एडजस्टमेंट हो रही है यहाँ पे। अंडर ओवर क्या है हमारे पास, हमने ओवरहेड्स कितने एब्जॉर्ब करवाए, हमने यहाँ 1,00,000, ये आप देख सकते हैं, दिस इज, हमने 1,00,000 एब्जॉर्ब करवाए, जबकि एक्चुअली जब हमने बिल वगैरह सारे पे किए, ओवरहेड्स पे किए, तो एक्चुअली हमने कितनी कॉस्ट पे की, हमने 95 पे की, तो 5,000 क्या हमारे पास ये ओवर एब्जॉर्ब हो रहा है। अगर कॉस्ट होता तो ओवर एब्जॉर्ब में कॉस्ट में ऐड करता, अगर प्रॉफिट होता तो प्रॉफिट में से मैं, प्रॉफिट होता तो प्रॉफिट में ऐड करता, और अगर कॉस्ट है कॉस्ट में से मैं इसको माइनस कर रहा हूँ, इट्स अप टू यू कि आप इसको कैसे ट्रीट करते हैं। तो हमारे पास प्रॉफिट आ जाएगा, प्रॉफिट के बाद हम यहाँ पे एडमिन सेलिंग बाकी सारी कॉस्ट भी यहाँ से हम माइनस कर रहे होंगे। कोई सवाल यहां तक बेटा? एक मिनट यार, एक एग्जाम्पल है, छोटी सी एग्जाम्पल, इसको क्विकली जल्दी से देख ले, अगर आप सब लोग रीड आउट कर ले जरा ये एग्जाम्पल। सेलिंग प्राइस 1 यूनिट की कितनी दी हुई है आपको, 150 दी हुई है। डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट आपको कितना दिया हुआ है, 35 है। डायरेक्ट लेबर 25 है। वेरिएबल ओवरहेड्स 10 है। तो ये मेरे पास 70 की कॉस्ट आ रही है। फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स पर यूनिट जो हमारे पास 50 आ रहा है,
टोटल एब्जॉर्प्शन की कॉस्ट आपके सामने 120, यानी इन्वेंट्री को हम किस पे वैल्यू करेंगे, 120 पे वैल्यू करेंगे। नॉर्मली प्रोडक्शन कितनी होती है, 2200 की है, और फिक्स ओवरहेड टोटल कितने दिए, 110 के दिए, तो 110,000 डिवाइड बाय 2200, तो हमारे पास 50 पर यूनिट आ जाएगा। एक यूनिट की हमारे पास कितनी है, हमारे पास कॉस्ट 50 रुपीज पर यूनिट। अब इसके बाद हमारे पास फर्दर आकर देखें आप, हमने प्रोडक्शन कितनी की, यहाँ पे प्रोडक्शन हम कर रहे हैं 2000 की, बड़ा आप देख सकते हैं दिस इज। अब यहाँ पे स्टॉक बनना है, प्रोडक्शन हमारे पास 2000 की और हमने सेल कितने की 1500 की, तो 500 का स्टॉक हो जाएगा, तो वही इस साल का क्लोजिंग होगा, नेक्स्ट पे ओपनिंग होगा। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, वो 500 को किस पे वैल्यू करेंगे, 500 को मल्टीप्लाई करेंगे हम यहाँ पे इस 120 के साथ। दिस इज द मेन थिंग कि हमारे पास जो स्टॉक आएगा क्लोजिंग, ओपनिंग स्टॉक तो नहीं है, क्लोजिंग स्टॉक 500 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 120 के साथ। दिस इज द मेन थिंग, 120 हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे होंगे, तो जुलाई के मंथ में पहले महीने में हमारे पास ये 2000 की प्रोडक्शन हुई है, सेल 1500 हुई है, 500 का क्लोजिंग स्टॉक आ गया, तो जुलाई का जो क्लोजिंग स्टॉक है वही अगस्त का क्या होगा, ओपनिंग स्टॉक होगा। तो पिछले महीने का जो क्लोजिंग स्टॉक है वो नेक्स्ट मंथ का क्या है, ओपनिंग स्टॉक होता है, तो वो नेक्स्ट मंथ का ओपनिंग स्टॉक ट्रीट कर देंगे यहाँ पे हम, और इसी तरह से हम इसको लेके चलते जाएंगे। बाकी वही सिंपल है कि हमारे पास अब डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट है, तो प्रोडक्शन की यूनिट से मल्टीप्लाई कर दें, डायरेक्ट लेबर को प्रोडक्शन यूनिट से मल्टीप्लाई करें, वेरिएबल ओवरहेड्स को मल्टीप्लाई करें प्रोडक्शन यूनिट से, फिक्स ओवरहेड्स को भी हम यहाँ पे ये कॉस्ट पर यूनिट दी हुई तो प्रोडक्शन यूनिट से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास ये ओपनिंग स्टॉक नील है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की सारी कॉस्ट आ जाएगी, क्लोजिंग स्टॉक मैंने बता दिया आपको, सेल हमें हम कितने यूनिट सेल करें, 1500 यूनिट सेल करें, एक यूनिट की सेलिंग प्राइस कितनी है 150, तो 150 से मल्टीप्लाई करके सेल भी हमारे पास आ जाएगी। तो लाइक दिस ये आपके सामने बेटा, सॉल्यूशन देखिए आराम से, 3-4 मिनट लगाएंगे इसको तसल्ली से देखें, कोई मसला बताएं मुझे। हाँ जी बेटा, कोई कोई क्वेश्चन? मार्जिन कॉस्टिंग में हम फिक्स कॉस्ट को लेस करेंगे। हाँ बेटा, मार्जिन कॉस्टिंग में हम फिक्स कॉस्ट को लेस करते हैं, लेकिन एक्चुअल फिक्स कॉस्ट माइनस होती है वहां से, और टोटल फिक्स कॉस्ट माइनस होती है मार्जिन कॉस्टिंग के अंदर, एक्चुअल और टोटल बजटेड नहीं होती, अंडर ओवर का कोई चक्कर नहीं होता। अच्छा सर सजाद, अंडर ओवर एक्सप्लेन किए करने, अच्छा ठीक है। अंडर ओवर बेटा यहाँ पे क्या है, अगर आप इस सवाल में देख सकते हैं, हमारे पास इस सवाल में अगर आपके आपके पास ये सवाल होगा, हमने यहाँ पे वर्किंग की है कि कितने हमारे पास स्टॉक में यूनिट्स हैं, यूनिट्स के अकॉर्डिंगली हम इसको यहाँ पे ट्रीट कर रहे हैं, ठीक होगी बात।
अंडर ये ओवर कितना से है हमारे पास, हमने यहां पे कहा कि हमारे पास कितने यूनिट्स की प्रोडक्शन होगी और फिर सेल कितने यूनिट्स की होगी, उसके अकॉर्डिंगली हम इसको ट्रीट कर रहे थे। अब फिक्स ओवरहेड्स की कॉस्ट पर यूनिट हमारे पास कितनी दी हुई थी, इसके अकॉर्डिंग देखे जरा हमारे पास, फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट हमारे पास कितनी थी बेटा, फिक्स ओवरहेड एब्जॉर्ब कितने हुए हमारे पास। सर कोई एग्जाम्पल आप खुद करवा दें, इस तरह सही समझ नहीं आ रहा बेटा, मैं खुद भी एग्जाम्पल करवाऊंगा सुबहान बेटा, आप लेट ज्वाइन कर रहे हैं, मैं आपको पास्ट पेपर के क्वेश्चन भी करवाऊंगा, ठीक है, हम पास्ट पेपर की एग्जाम्पल्स भी करेंगे, क्वेश्चन बैंक से भी करेंगे, एक दफा टॉपिक में पहले फिनिश कर दूं, ठीक है, टॉपिक फिनिश हो जाएगा तो फिर मैं इसको कर दूंगा, आपको क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगा, चाह रहा हूं कि एक दफा सोल्यूशन लेके आया हूं, मेरी कोशिश ये कि आप एक दफा क्विकली से टॉपिक खत्म हो जाए मेरा, फिर मैं आपको पास्ट पेपर के जो एक्चुअल एग्जाम है और वो क्वेश्चन बैंक से हमारे क्वेश्चन है उसको, अदरवाइज टाइम बहुत लग जाता है यार, मैं पूरे एग्जाम्पल ले तो लेता हूँ, वो एग्जाम्पल बसी रहती, पूरी कॉन्सेप्ट तो पढ़ा देता हूँ लेकिन टाइम बहुत मेरा लग जाता है, इसलिए मैं ये चीज लेकर आया हूँ ताकि आपको क्लियर रहे कि हमने इसको कैसे ट्रीट करना है। सर अब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग में अंडर ओवर की एडजस्टमेंट नहीं होती? हाँ जी बेटा, सर मैं पूछ रहा हूँ अब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग में अंडर ओवर की एडजस्टमेंट नहीं होती? हाँ जी हाँ जी, अब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग के अंदर अंडर ओवर की अब्सॉर्प्शन हम एडजस्टमेंट जरूर करते हैं ना, माइल कॉस्टिंग में नहीं होती। ओके, क्योंकि माइल कॉस्टिंग के अंदर हम एक्चुअल कॉस्ट ले रहे होते हैं, बिल्कुल, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अंदर हम फिक्स कॉस्ट को एब्जॉर्ब करवाते हैं, बजटेड एस्टिमेटेड, और हमारा एस्टिमेट गलत भी हो सकता है, यानी कि बहुत एक्यूरेट नहीं होता, हम अंडर एब्जॉर्ब भी करवाते हैं, ओवर एब्जॉर्ब भी करवाते हैं, इसलिए फिर हम क्या करते हैं कि पहले हम यहाँ पे वर्किंग कर लेते हैं कि हमने ओवर एब्जॉर्ब कितना करवाया, यानी एस्टिमेट कितना था और एक्चुअल कितना होगा, एस्टिमेट और एक्चुअल का जो डिफरेंस होता है वो अंडर या ओवर, इसकी एडजस्टमेंट भी हम करते हैं। माइल कॉस्टिंग में हम ऐसा नहीं करते, माइल कॉस्टिंग में एक्चुअल फिक्स कॉस्ट जो आपने एक्चुअली पे की होती है एंड पे जाके टोटल में से आप उसको माइनस कर रहे होते हैं, माइल का नाम भी वेरिएबल है कि जस्ट वेरिएबल कॉस्ट लेनी होती, फिक्स तो लेनी ही नहीं होती, और एब्जॉर्प्शन में हमने फिक्स कॉस्ट को एब्जॉर्ब करना होता, जैसे एक आइडिया आपको अभी जैसे एक आइडिया चल रहा है अभी, बाकी इसमें ऐसा और कुछ नहीं है। हाँ जी अच्छा, कुछ बच्चों को ये अंडर ओवर के बारे में कंफ्यूजन आ रहा है, ये बिल्कुल बात ठीक है आपकी बेटा, थोड़ा अंडर ओवर इसने प्रॉपर नहीं किया हुआ, मैं इस पर डिस्कशन करूंगा, पहले हम सेल देख लेते हैं, जुलाई में हमारे पास 1500 यूनिट सेल हुए तो 150 से मल्टीप्लाई की तो हमारे पास सेल आ गई, इसलिए अगस्त में भी हमारे पास 3000 यूनिट सेल हुए तो उसकी मल्टीप्लाई की सेल आ गई। अब ओपनिंग स्टॉक हमारे पास कितना था, ओपनिंग स्टॉक तो जुलाई में नेल था, ठीक हो गया, डायरेक्ट मटेरियल 2000 यूनिट हमने जुलाई में प्रोड्यूस किए, बिल्कुल प्रोड्यूस किए, इसको मल्टीप्लाई किया हमने यहाँ पे मटेरियल की कॉस्ट पर यूनिट के साथ, फिर लेबर कॉस्ट पर यूनिट के साथ, फिर वेरिएबल ओवरहेड के साथ, फिर हमने यहाँ पे अब ये मल्टीप्लाई करके हमारे पे वैल्यू आ गई। अब आगे आते हैं जरा, फिक्स कॉस्ट को मैंने यहाँ पे कैसे एब्जॉर्ब करवाया, ये एक मेन सवाल है हमारे पास, फिक्स कॉस्ट को मैंने यहाँ पे कैसे एब्जॉर्ब करवाया, मैंने प्रोडक्शन कितनी की 2000 यूनिट्स की, 2000 यूनिट्स की मैंने 2000 को मल्टीप्लाई किया मैंने 50 के साथ, तो 50 से मल्टीप्लाई किया मेरे पास क्या आ गया 100,000 आ रहा है, तो मैंने 100,000 के ऊपर क्या किया है, ये मैंने 100,000 की फिक्स कॉस्ट यहाँ एब्जॉर्ब करवा दिया है, 100,000 मैंने इसको एब्जॉर्ब करवा दी ना, ये बात बिल्कुल ठीक है। अब एक्चुअली अब यहाँ पे जो अंडर ओवर निकाल के दिया हो ना, ये 50-50 मल्टीप्लाई करके 200-200 ये ठीक नहीं है, होना ये चाहिए था कि आपको फिर एक्चुअल कॉस्ट ये देता, अब यूं समझ लें मैं आपको यूं इसमें एडजस्टमेंट करवा देता हूँ बेटा, अब यूं समझ लें इसको, अब मैं इस तरह से करवाता हूँ आपको, ये देखेंगे ये इसमें थोड़ी करेक्शन कर देता हूँ मैं, हमने ओवरहेड एब्जॉर्ब कितने किए हुए यहाँ पे, यानी ओएआर लिया, ओएआर को मल्टीप्लाई किया हमने एक्चुअल एक्टिविटी लेवल के साथ, वो वैल्यू कितनी आ रही मेरे पास, वो 1,00,000 आ रही है, ठीक है। अब एक्चुअल ओवरहेड आपने पे कितने किए, ये सवाल है, तो एक्चुअल ओवरहेड जनाब आपने पे किए सपोज वो 90,000 के, चले यू कर लिया, अब 100,000 90 का डिफरेंस लिए तो क्या आता है 10,000, वो 10,000 यहाँ पे आ रहा है। इसी तरह से हमारे पास यूं कर लें कि हमने यहां पे 115
125 था और ये हमने 110 एक्चुअली पे किया तो 15 का डिफरेंस आ रहा है। हमें इस तरह से एडजस्ट नहीं करना होता, जैसे ये एडजस्ट कर रहा है कि 200 यूनिट्स ले रही है उसको से मल्टीप्लाई कर दी 50 के साथ, तो 300 यूनिट्स ले रही उसको मल्टीप्लाई कर दी 50 के साथ। हमें एक्चुअल कॉस्ट दी होगी कि एक्चुअली कॉस्ट कितनी थी हमारे पास, तो एक्चुअल कॉस्ट के अकॉर्डिंगली फिर हम उसको यहाँ पे क्या करेंगे, ट्रीट कर रहे होंगे। हाँ ये क्या कर रहा है, थोड़ा मैं आइडिया देता हूँ, वो ये कह रहा है कि यार एक्चुअली फर्क क्या आया, वो ये बता रहा आपको। वो कह रहा है कि आपने एस्टिमेट किया था कि हमारे पास यहाँ पे एक्चुअल एक्टिविटी लेवल कितना होगा, वो हमारे पास आपका बजट था सपोज 2000 यूनिट्स का, एक्चुअली सपोज वो 1800 का हुआ है, तो 200 का वो फर्क आ रहा है। तो ऐसा नहीं है, आपको सवाल में बताया होगा, यानी हमें यू वैल्यू दी होगी, हमें बताया होगा सवाल के अंदर लाइक ये 100,000 है और ये 90 है, 90 और 100 का फर्क लेंगे तो दिस इज 10,000, वो 10,000 ला के यहाँ पे वो 10,000 ला के यहाँ पे पुट कर रहा हूँ। ठीक हो गया, तो कंफ्यूज नहीं हो बेटा, बहुत से बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे हैं, ये 200 और 300 इस तरह से नहीं है, इसको सवाल में एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि ये क्या है। अगर तो सवाल में हमें वो प्रॉपर एक्सप्लेन कर दे तो फिर ठीक है, फिर हम उसके अकॉर्डिंग चल सकते हैं कि वो बता दे सवाल में यार एक्चुअल एक्टिवेबल ये है, आपका बजट ये था, डिफरेंस लाइक 200 यूनिट्स है, तो फिर तो मैं कहता हूँ 200 यूनिट्स का फर्क आ गया तो उसको मैं 50 से मल्टीप्लाई कर दूं, और मैं 10 में जाकर 2500 यूनिट्स का मेरे पास 300 यूनिट्स का फर्क आ गया तो उसको यहाँ पे मैं ट्रीट कर दूं। अदरवाइज ऐसा नहीं है, हमें सवाल में वो बताएगा तो हम इसको ट्रीट करेंगे, अदरवाइज हम इसको ट्रीट नहीं करेंगे। ये एक एग्जाम्पल है, इसने खुद से इसलिए इसको ट्रीट किया हुआ। ठीक होगी बात बेटा, यहां तक कंफ्यूजन क्लियर होगी, अंडर ओवर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया बेटा। आपको बताया होगा कि 100,000 आपने जैसे कैलकुलेट किए हैं और एक्चुअल लाइक 90 की वैल्यू आ रही होगी कहीं ना कहीं हमारे पास, यानी उसकी वजह से वो डिफरेंस आ रहा होगा, तो वो डिफरेंस 10,000 का हम कैलकुलेट करके यहाँ पे पुट कर रहे होंगे। ठीक हो गया, ये क्योंकि एग्जाम्पल है, उसने खुद से एस्टिमेट कर लिया है कि इतना को हमारे एक्चुअल और बजट लेवल का फर्क आ गया, उस फर्क के डिफरेंस को यहाँ पे वो क्लियर वो खुद से डालने की कोशिश कर रहा है कि कोई ना कोई एडजस्टमेंट मैं करके दिखा दूंगा आपको। आगे चलते हैं थोड़ा सा, यहां तक ही कॉन्सेप्ट था। अब सवाल ये आता है हमारे पास, अभी डिस्कशन थोड़ी सी हमने करनी है, कल भी हम इसको देखेंगे, ये एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर फर्क क्यों आता है, यानी अगर एक ही सवाल हो उसमें मैं एब्जॉर्प्शन मैं करके भी दिखाऊंगा आपको, सवाल लेंगे कल हम, उसको पहले मैं एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के थ्रू करके दिखाऊंगा, फिर इसी को मैं मार्जिनल कॉस्टिंग के थ्रू करके दिखाऊंगा। एक बच्चे ने सवाल किया, सर हमें कैसे पता चला कि 90,000 का फर्क है। बेटा मुझे ऐसे पता चला कि उसने 10,000 का अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन डाला हुआ है, तो वहां से मुझे आइडिया हो गया था, हमारा प्लान था 1,00,000 का, 1,00,000 की वैल्यू जो आ रही है तो 10,000 का फर्क है, तो उसका मतलब 90,000 ही हमारे पास एक्चुअल ओवरहेड्स होंगे, मुझे इसलिए पता चल गया। तो आपको भी सवाल में पता चल जाएगा, वो बताएगा कि 90,000 क्या है, मेरे एक्चुअल ओवरहेड्स है, तो एक्चुअल ओवरहेड्स तो एक्चुअली जो आपने पे किए होते हैं, ये हम खुद कैलकुलेट थोड़ी करते हैं, तो बल्कि खैर हमें कोई ना कोई एस्टिमेट बताएगा तो हम इसके थ्रू डालेंगे, हमें सवाल के अंदर कोई वैल्यू देगा तो हम डालेंगे ना, खुद से तो नहीं डाल सकते ना। ये एक एग्जाम्पल थी बुक थी, उसने खुद से एक वैल्यू डाल दी ताकि आपको बता दिया जाए कि यहाँ पे अंडर ओवर की एडजस्टमेंट होनी है, बस इसलिए उसने वैल्यू डाली है। ठीक हो गया, अच्छा क्लास टाइमिंग जो भी करेंगे, अभी फिलहाल क्लास टाइमिंग यही रहेगी बेटा, अभी मैं एक इस वीक एटलीस्ट दिस वीक ये वाला वीक मैं ऐसे ही चलाऊंगा, नेक्स्ट वीक से इंशाल्लाह आपका टाइमिंग एडजस्टमेंट करूंगा, अभी टाइमिंग आगे पीछे नहीं हो सकती, सब वो क्लासेस बड़ी पैक चल रही है, तो मैं डिस्कशन की उनसे, लेकिन अभी मैं और डिस्कशन करूंगा, टाइमिंग विल चेंज, लेकिन अभी इन दिस वीक, अभी इस वीक में टाइमिंग यही रहेगी बेटा, नेक्स्ट वीक से इंशाल्लाह कुछ करेंगे इसको प्लान। हाँ जी, अभी इस वीक से यही टाइमिंग रहेगी हमारे पास। अच्छा बात डिस्कशन ये थी हमारे पास कि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग और मार्जिनल कॉस्टिंग के दोनों के प्रॉफिट में फर्क क्या आ रहा है। क्योंकि पहली तो बात ये है, आपको यहाँ पे डिफरेंस मैं थोड़ा क्लियर कर दूं पहले हम। अच्छा पहले आप बताएं, चले मैं आपसे पूछता हूँ कि अगर एक ही सवाल के ऊपर मैं एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग को अप्लाई करूं और फिर उसी सवाल के ऊपर मार्जिनल कॉस्टिंग को अप्लाई करूं, तो बताएं मुझे बेटा कि मेरे प्रॉफिट सेम आएंगे, आंसर सेम आएगा या डिफरेंट आएगा, ये बताएंगे। प्रॉफिट विल बी सेम और डिफरेंट, ये बताए। हाँ जी बिल्कुल सही आंसर है, डिफरेंट आएगा। डिफरेंट क्यों आएगा, इसकी कोई रीजन, छोटी सी कोई रीजन को पहले इसको हल्का से एंड कराया। हाँ जी बच्चे ने कहा जी उसमें फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स होते हैं, बिल्कुल बात ठीक है,
कि मार्जिन कॉस्टिंग में खाली वेरिएबल ओवरहेड्स होते हैं और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में फिक्स ओवरहेड्स होते हैं, ये ठीक होगी बात। लेकिन यार एक, एक, एक बात है वैसे कि हम मार्जिन कॉस्टिंग में तो फिक्स कॉस्ट बाद में सारी माइनस तो कर देते हैं, यानी एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में हम क्या करते हैं, हम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर या एक यूनिट के अंदर हम फिक्स कॉस्ट को अब्सॉर्ब करते हैं और माइनस हो जाती है। मार्जिन कॉस्टिंग में क्या करते हैं, फिक्स कॉस्ट तो बाद में जाके हम एंड पे जाके टोटल में से माइनस कर देते हैं। तो यानी जो टोटल आंसर मार्जिन कॉस्टिंग में निकलता है उसमें भी तो हमने पहले वेरिएबल कॉस्ट माइनस की होती, बाद में फिक्स कॉस्ट माइनस की होती, और अब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग में भी हम फिक्स और वेरिएबल दोनों माइनस कर रहे होते हैं, तो क्या फिर प्रॉफिट में फर्क क्यों आता है, आप बताएंगे। हाँ जी, एक बच्चे ने बिल्कुल ठीक आंसर किया, क्योंकि इन्वेंट्री की वैल्यूएशन, इन्वेंट्री की वैल्यूएशन की वजह से फर्क आता है, यानी क्लोजिंग स्टॉक का डिफरेंस भी तो होता है ना यहाँ पे। यानी अगर हमारे पास एक ओपनिंग स्टॉक है और क्लोजिंग स्टॉक है, एक बार थोड़ा बात पहले क्लियर कर दूं, ओपनिंग स्टॉक इफ द ओपनिंग स्टॉक इज इक्वल टू क्लोजिंग स्टॉक, जितना हमारा ओपनिंग स्टॉक है उतना ही हमारा क्लोजिंग स्टॉक है, अगर स्टॉक में कोई चेंज नहीं आ रहा, ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू सेम है, अगर ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू सेम है, दोनों स्टॉक की अगर वैल्यू सेम है, तो फिर हमारे पास एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग और मार्जिन कॉस्टिंग दोनों का प्रॉफिट सेम ही आएगा, इक्वली आएगा, मतलब कोई फर्क नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि जितनी आप प्रोडक्शन करें सारी आप सेल करें, स्टॉक आपका वैसे का वैसे ही पड़ा हुआ है, जितनी आप प्रोडक्शन करते हैं सारी आप सेल कर देते हैं, और जितनी भी कॉस्ट लगाते हैं सारी आप माइनस कर देते हैं, तो जितनी भी कॉस्ट होती है सारी आप माइनस कर देते हैं, तो जितना भी हमारे पास जो आंसर निकलता है वो आंसर सही निकल रहा होगा हमारे पास, उसमें कोई डिफरेंट नहीं आ रहा होगा, कोई ऐसा चेंज नहीं आएगा। लेकिन जब स्टॉक चेंज होता है, यानी अगर हमारे पास ओपनिंग स्टॉक 200 का था तो क्लोजिंग स्टॉक 500 का हो रहा है, स्टॉक इंक्रीज कर रहा है, तो क्लोजिंग स्टॉक की अगर वैल्यू इंक्रीज कर रही है तो कॉस्ट ऑफ सेल में से आपको पता है हम क्लोजिंग स्टॉक में बेटा माइनस करते हैं, तो मार्जिन कॉस्टिंग के अंदर क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कम होगी, क्योंकि उसमें जैसे हमने वेरिएबल कॉस्ट ली होती है। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अंदर हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू ज्यादा होगी, क्योंकि इसमें हमने वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट दोनों ली होती है, तो एब्जॉर्प्शन के अंदर क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू ज्यादा होती है, मार्जिन के अंदर क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कम होती है, तो कॉस्ट ऑफ सेल में से जब कम क्लोजिंग स्टॉक का माइनस करेंगे, कम क्लोजिंग स्टॉक अगर आप माइनस करेंगे, तो कॉस्ट ऑफ सेल में से जब हम कम क्लोजिंग स्टॉक माइनस करेंगे तो हमारे पास नीचे कंट्रीब्यूशन बढ़ जाएगा, लेकिन बाद में हमने एक्चुअल फिक्स कॉस्ट सारी की सारी माइनस कर देनी होती है। एक बात याद रहे कि हमारे पास क्या होता है, ये एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अंदर हम क्या करते हैं, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अंदर हम फिक्स कॉस्ट को यूनिट्स में एब्जॉर्ब करवा देते हैं, तो जितने यूनिट सेल होंगी उतनी ही कॉस्ट माइनस होगी, सारी की सारी माइनस नहीं होती। अगर तो सारी प्रोडक्शन की और सारी के सारे सेल कर दी, स्टॉक में कुछ नहीं रखा, तो फिर तो ठीक है सारी कॉस्ट ही माइनस हो जाएगी। लेकिन अगर आपने कुछ यूनिट सेल कर दी, कुछ सेल नहीं की, जो सेल नहीं की तो वो तो स्टॉक में चले गए। यानी एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अंदर क्लोजिंग स्टॉक इंक्रीज कर जाता है, जब क्लोजिंग स्टॉक इंक्रीज करता है तो कॉस्ट ऑफ सेल कम रह जाती है, तो जब कॉस्ट ऑफ सेल कम रह जाएगी, सेल में से कम कॉस्ट ऑफ सेल माइनस करेंगे तो आपका प्रॉफिट इंक्रीज कर देगा। तो अगर मैं आपको थोड़ा पहले हिंट करा दूं, हाँ जी बेटा, चलो मैं नई शीट ले लेता हूं, यानी पहले तो बात ये करते हैं कि ये इनके प्रॉफिट में डिफरेंस क्यों हुआ था, कल में हम इस पर भी डिस्कशन करेंगे, चैप्टर हमारा तकरीबन खत्म हो गया, कल हमने यही इस पर भी बात करनी है, स्टॉक के चेंज और हमने क्वेश्चन भी करने हैं इसके बेटा। अच्छा, हम बात करते हैं यहाँ पे दोनों के प्रॉफिट में फर्क क्यों आता है, पहले तो मैं ये थोड़ा क्लियर कर दूं आपको, कुछ बातें इंपैक्ट है जो आपने याद कर लेनी है, वो क्या है, इफ स्टॉक चेंज, अगर हमारा स्टॉक क्या होता है, चेंज होता है, हाँ जी, किस तरह से चेंज होता है, मैं कहता हूं क्लोजिंग स्टॉक या क्लोजिंग इन्वेंट्री इज ग्रेटर देन द ओपनिंग इन्वेंट्री, यानी क्लोजिंग इन्वेंट्री जो हमारे पास वो ओपनिंग इन्वेंट्री से क्या है, वो ज्यादा है। अगर हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा है, ओपनिंग स्टॉक कम है, अगर स्टॉक हमारा इंक्रीज कर रहा है, जैसे जब हमारा स्टॉक इंक्रीज करता है, जब भी कभी स्टॉक इंक्रीज करेगा, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का प्रॉफिट हाई होगा हमेशा, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का प्रॉफिट हमेशा ग्रेटर होगा मार्जिनल कॉस्टिंग से। एक तो ये मैं बेसिक आपको थोड़ा आइडिया दे दूंगा प्रॉफिट में फर्क क्यों आता है। जब भी स्टॉक चेंज होगा, स्टॉक चेंज का मतलब क्या है, मैंने कहा अगर स्टॉक इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज का मतलब क्या है, स्टॉक चेंज में लिख देता हूं इंक्रीज,
मैंने कहा कि आपका स्टॉक क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। अब आगे मैंने बता दिया इंक्रीज का मतलब क्या है कि क्लोजिंग स्टॉक अगर ग्रेटर है हमारे ओपनिंग स्टॉक से तो अब्जॉर्प्शन का प्रॉफिट हमेशा क्या होता है हमारे पास हाई होता है। अगर स्टॉक डिक्रीज कर रहा है बेटा फिर वही बात उसी तरह से वाइस वर्सा, क्योंकि हमारे पास इफ क्लोजिंग स्टॉक विल डिक्रीज, अगर हमारे पास क्या होता है स्टॉक डिक्रीज करता है तो अंडरस्टूड हो गया। फिर डिक्रीज का मतलब क्या पहले ये बताएंगे, इसका मतलब है कि ओपनिंग स्टॉक ज्यादा, फिर कि ओपनिंग स्टॉक हमारे पास ग्रेटर है क्लोजिंग स्टॉक से बेटा। जब भी क्लोजिंग स्टॉक कम होगी यानी क्लोजिंग स्टॉक इंक्रीज करेगा एब्जॉर्प्शन के प्रॉफिट इंक्रीज करना, क्लोजिंग स्टॉक कम होगा हमारे पास तो मार्जिन का प्रॉफिट ग्रेटर होगा, मार्जिन कॉस्टिंग प्रॉफिट जो होगा हमारे पास वो ग्रेटर होगा हमारे पास इसका प्रॉफिट जो है एब्जॉर्प्शन के प्रॉफिट से, एब्जॉर्प्शन के प्रॉफिट से हमेशा ज्यादा आएगा। अगर हमारा स्टॉक चेंज ही नहीं हो रहा है, इफ क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू द ओपनिंग स्टॉक, अगर हमारा ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों स्टॉक सेम आ रहे हैं, अगर हमारा ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों स्टॉक सेम आ रहे हैं तो देन हमारे पास दोनों का प्रॉफिट भी सेम आ रहे होंगे, इनके प्रॉफिट में भी ऐसा डिफरेंस नहीं आ रहा होगा। अगर एब्जॉर्प्शन और मार्जिन दोनों के हमारे पास स्टॉक इंक्रीज करेगा एब्जॉर्प्शन का प्रॉफिट हाई होगा, स्टॉक डिक्रीज करेगा एब्जॉर्प्शन का प्रॉफिट लो होगा। अगर स्टॉक चेंज नहीं हो रहा है एब्जॉर्प्शन मार्जिन दोनों के प्रॉफिट हमारे पास सेम आ रहे होंगे। अब बात यह कि दोनों के प्रॉफिट में फर्क आता क्यों है, मैं इसको और थोड़ा क्लियर कर देता हूं। बेसिकली जो चेंज इन प्रॉफिट होता है वो क्यों होता है, जो चेंज इन प्रॉफिट है दैट इज इक्वल टू चेंज इन स्टॉक, जो स्टॉक में चेंज आता है इन टू फिक्स कॉस्ट पर यूनिट, ये बेटा फर्क होता है। कि हम चेंज इन स्टॉक लेते हैं कि स्टॉक में कितना चेंज आ रहा है, चेंज इन स्टॉक इनटू फिक्स कॉस्ट पर यूनिट, फिक्स कॉस्ट पर यूनिट से उसको मल्टीप्लाई करते हैं कि चेंज इन स्टॉक कितना आ रहा है, हमारा ओपनिंग स्टॉक कितना है, हमारा क्लोजिंग स्टॉक कितना है, स्टॉक में चेंज कितना आ रहा है, तो चेंज इन स्टॉक लेते हैं हमारे पास कि कितने यूनिट्स हमारे पास चेंज हो रहे हैं, हमारे पास यूनिट्स कितने चेंज हो रहे हैं। अगर हमारे पास यूनिट्स इंक्रीज कर रहे हैं, स्टॉक इंक्रीज कर रहा है तो वो हम जहां भी यूनिट्स लेंगे उसको मल्टीप्लाई करेंगे फिक्स कॉस्ट पर यूनिट के साथ, इतनी अमाउंट से एब्जॉर्प्शन का प्रॉफिट हाई होगा। यानी मैं कहता हूं सपोज ओपनिंग स्टॉक कितना है आपके पास, सपोज ओपनिंग स्टॉक 200 यूनिट्स के बेटा, क्लोजिंग स्टॉक बेटा कितना है, क्लोजिंग स्टॉक सपोज मैं बेटा आपसे कहता हूँ 500 यूनिट्स का, 500 यूनिट्स का यार कितना है ये, हाँ जी कितना, मैं आपसे कह रहा हूँ 500 यूनिट्स, हमें कितना चेंज आ रहा है स्टॉक में, कितना चेंज आ रहा है यहाँ 200-500 में, कितना चेंज है 300 का चेंज है, 300 यहाँ पुट करें इन टू फिक्स कॉस्ट पर यूनिट सपोज 10 है, 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो 300 यूनिट से मल्टीप्लाई करने के तो हमारे पास क्या आएगा 3000 आ जाएगा, तो 3000 से हमारा एब्जॉर्प्शन का प्रॉफिट हाई होगा और 3000 से हमारे मार्जिन का प्रॉफिट क्या होगा लो हो रहा होगा। 3000 बेसिकली रीजन, तो 3000 से हमारे एब्जॉर्प्शन का प्रॉफिट इंक्रीज कर रहा होगा और 3000 से हमारे माइल का प्रॉफिट क्या करेगा यहाँ पे डिक्रीज कर रहा होगा। इज इट क्लियर बेटा, ये कुछ आइडिया हुआ आपको, हाँ जी कौन सा क्लियर बेटा, अंडरस्टैंड यहां तक कोई इश्यू भाई, काइंडली बेटा रिप्लाई करें। अच्छा इसमें मैं हिंट कराता हूं और चीज आपको कि अगर एक का प्रॉफिट गिवन दूसरे का कैसे निकालते हैं, ये सारी चीजें कल अप्लाई भी करेंगे। अगर मेरे पास एब्जॉर्प्शन का प्रॉफिट गिवन है, सपोज एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग प्रॉफिट गिवन है तो मैं मार्जिन का निकाल सकता हूं, कैसे, मुझे पता कि स्टॉक में चेंज और इनटू फिक्स कॉस्ट पर इनके फर्क होता है तो मैं यहां पर क्या लेता हूं ओपनिंग स्टॉक इनटू ये फिक्स कॉस्ट पर यूनिट कर ले, चले मैं लेता हूं क्लोजिंग स्टॉक इनटू ये फिक्स कॉस्ट पर यूनिट कर ले, ओपनिंग स्टॉक के यूनिट्स लिए इसको फिक्स कॉस्ट पर यूनिट मल्टीप्लाई किया इसको यहां पे ऐड करें, क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट इनको फिक्स कॉस्ट पर यूनिट मल्टीप्लाई किया इसको यहां से माइनस करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा मार्जिनल कॉस्टिंग प्रॉफिट आ जाएगा। अगर एक का प्रॉफिट गिवन है दूसरे का प्रॉफिट हम फाइंड कर सकते हैं, कैसे, उनके हमारे पास स्टॉक में चेंज के तो फर्क होता खाली,
तो ये एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग प्रॉफिट है, नीचे हमारे पास मार्जिन कॉस्टिंग प्रॉफिट, दोनों में फर्क क्या है हमारे पास? चेंज इन स्टॉक का, ये ओपनिंग स्टॉक की मैं यहां बात करूंगी, क्लोजिंग स्टॉक की मैं बात करूंगा। ओपनिंग स्टॉक यूनिट्स लेंगे, क्लोजिंग स्टॉक यूनिट्स लेंगे, इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे हम? फिक्स कॉस्ट पर यूनिट के साथ। तो ओपनिंग स्टॉक यूनिट्स क्लोजिंग स्टॉक यूनिट्स मल्टीप्लाई करना है फिक्स कॉस्ट पर यूनिट के साथ, तो हमारे पास ये वैल्यू कुछ इस तरह से आ रही होगी। तो ये हम लेंगे यहाँ पे, ये क्या है बेसिकली? द चेंज इन स्टॉक अल्टीमेटली क्या है? द चेंज इन स्टॉक, ये ओपनिंग क्लोजिंग का डिफरेंस है चेंज इन स्टॉक। तो इसको मल्टीप्लाई में किससे करूं? फिक्स कॉस्ट पर यूनिट के साथ। तो अगर एब्जॉर्प्शन का प्रॉफिट है, स्टॉक इंक्रीज करा तो अल्टीमेटली स्टॉक इंक्रीज करेगा, तो ये फिगर बड़ी होगी मेरे माइनस का। इसी तरह से बेटा हम यू भी कह सकते हैं, अगर मेरे पास मार्जिन कॉस्टिंग का प्रॉफिट गिवन है तो मैं एब्जॉर्प्शन का भी फाइंड कर सकता हूँ। तो वो उल्टा ऐसा हो जाएगा, ये फॉर्मूला हमारे पास क्या हो जाएगा, जरा उल्टा हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास। ये क्या होगा, मैं यहाँ पे किस तरह से लूंगा? मैं लूंगा ये मार्जिन का प्रॉफिट है, मार्जिनल कॉस्टिंग प्रॉफिट, यानी मार्जिन का प्रॉफिट मुझे गिवन है, तो मैं यहां लेता हूं ओपनिंग स्टॉक इनटू फिक्स कॉस्ट पर यूनिट, ठीक है जी। इसी तरह से हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक इनटू ये फिक्स कॉस्ट पर यूनिट। अब यहां पे क्या करेंगे हम? ओपनिंग को माइनस करेंगे, क्लोजिंग को ऐड करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा? एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग प्रॉफिट। Then we will have absorption costing profit. हाँ जी डन। कोई क्वेश्चन यहां तक बढ़े, कोई सवाल? अगर हम थोड़ी बात करें कि यार एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग अप्लाई कहां पे होती है, बड़े जितनी भी कंपनीज होती हैं अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती हैं, ये जो आप FR1 और FR2 वगैरह पढ़ते हैं, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पढ़ते हैं, जितनी भी कंपनी अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती है वो सारी की सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू द एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग बनती है। एक्सटर्नल रिपोर्टिंग के लिए, बैंक की रिपोर्टिंग के लिए एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग फुल कॉस्ट वैल्यूएशन है, एक प्रॉपर और एक्यूरेट और ट्रू कॉस्ट फाइंड करा होता है। एक यूनिट को बनाने के लिए फिक्स कॉस्ट भी तो लगती है, तो वेरिएबल कॉस्ट भी लगती है और फिक्स कॉस्ट भी लगती है, तो दोनों कॉस्ट को इंक्लूड करता है, तो वो फुल कॉस्ट कैलकुलेट करता है, ट्रू वैल्यू कैलकुलेट करता है। तो इन्वेंट्री की प्रॉपर वैल्यूएशन के लिए हम उसको यूज कर लेते हैं। तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग जो होती है वो इन्वेंट्री की फुल वैल्यूएशन करता है, फुल कॉस्ट को कंसिडर करता है, और जितनी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है दुनिया भर में, उस दुनिया के अंदर वो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के थ्रू बन रही होती है, जिसके थ्रू इन्वेंट्री की वैल्यूएशन की जा रही होती है। मार्जिन कॉस्टिंग कहां पे अप्लाई होती है? डिसीजन मेकिंग के लिए। मैनेजमेंट ने जब डिसीजन लेना होता है तो डिसीजन के अकॉर्डिंगली जैसे वेरिएबल कॉस्ट चेंज होती है, फिक्स कॉस्ट चेंज ही नहीं होती, वो तो फिक्स रहती है, तो लिहाजा डिसीजन मेकिंग के लिए मैनेजमेंट हमेशा मार्जिन कॉस्टिंग यूज करती है, वो चीजें जो उनके डिसीजन के अकॉर्डिंग चेंज हो सकते हैं जैसे उनको कंसिडर किया जा रहा होता है। तो मार्जिन कॉस्टिंग जस्ट डिसीजन मेकिंग में, हम मैनेजमेंट हमारी डिसीजन मेकिंग में मार्जिन कॉस्टिंग यूज करती है, जब उसे बिजनेस के प्लान करने होते हैं, फ्यूचर में डिसीजन लेने होते हैं, कंट्रोल अप्लाई करने होते हैं, इस किस्म के काम करने होते हैं, तो वो हमेशा क्या करती है? मार्जिन कॉस्टिंग वहां पर अप्लाई कर रही होती है। तो ये मार्जिन कॉस्टिंग में क्या होता है कि वो डिसीजंस में हेल्प करती है, प्रोजेक्ट के फिजिबिलिटी बनाने में, उसके एक्सेप्टेबिलिटी को कंसीडर करने में, और इसके वर्किंग करने में हम उसको कंसीडर कर रहे होते हैं, और वो जस्ट वेरिएबल कॉस्ट को कंसीडर करती है, वो फिक्स कॉस्ट को कंसीडर नहीं कर रही होती। कोई सवाल यहां तक बेटा? इज इट डन? अगर आप अपने स्टडी टैक्स में भी देखेंगे, आई थिंक सो, आपको आइडिया हो जाएगा डिफरेंस क्या है दोनों के अंदर। ये डिफरेंस थोड़ा रीड आउट कर लीजिएगा, जैसे मैंने आइडिया दिया कि स्टॉक का फर्क होता है, यूनिट्स का फर्क होता है, जैसे आप ये देखें सवाल के अंदर आपको एक आइडिया दिया था कि ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक यूनिट्स में कितना फर्क आ रहा है, ये ओपनिंग यूनिट्स हैं, ये क्लोजिंग यूनिट्स, लाइक जैसे ये स्टॉक यूनिट्स का फर्क आ रहा है, तो ये हमारे पास ये ओपनिंग जीरो से क्लोजिंग 500, जैसे हमने सवाल किया, आई थिंक वही सवाल है। तो स्टॉक में चेंज कितना आ रहा है? 500 का चेंज आ रहा है, तो वो 500 का चेंज आ रहा है उसको मल्टीप्लाई किया उसने 50 के साथ, तो ये 25,000 का डिफरेंस आ रहा है, ये 25,000 का डिफरेंस आ रहा है, नहीं 25,000 से एब्जॉर्प्शन का प्रॉफिट हाई होगा, मार्जिन का प्रॉफिट लो रहा होगा, तो लाइक दिस। तो ये आपको स्टॉक में चेंज, यानी ओपनिंग स्टॉक यूनिट्स ये और क्लोजिंग स्टॉक यूनिट्स ये, ओपनिंग क्लोजिंग का फर्क निकाल के उसने थोड़ा आपको आइडिया दिया होगा।
इसी तरह से हमारे पास अगर आप आगे भी देखें वो तो आ रहा है, अगर स्टॉक ओवरऑल टोटल की बेस पे देखे तो नील कोई फर्क नहीं आ रहा होगा हमारे पास। खैर ये चीजें हम देखेंगे अभी, रिकंसाइल करके दिखाया हुआ आपको फर्क, और आगे समरी दी हुई आपको वही बातें जो मैंने बताई आपको कि क्यों फर्क आता है, इंक्रीज डिक्रीज इन इन्वेंट्री स्टॉक। इन्वेंट्री को चेक करें आप कि दोनों की इन्वेंट्री को चेक करें, इन्वेंट्री में कितना चेंज आ रहा है, फिक्स कॉस्ट पर यूनिट चेक करें वो कितना है। बच्चा कह रहा है रिकंसिलेशन का फॉर्मेट बता दें, बेटा ये रिकंसिलेशन मैंने बताई है आपके सामने, ये जो मैंने बनाई आपके रिकंसिलेशन, ये क्या है, दिस इज व्हाट, ये क्या है, ये रिकंसिलेशन ही है यार, वेट ये बनाई मैंने, ये रिकंसिलेशन है। मार्जिन कॉस्टिंग का प्रॉफिट दिया हुआ आपके सामने, दिस इज व्हाट, ये मार्जिन का प्रॉफिट है यार, ये मार्जिन का प्रॉफिट दिया हुआ नहीं, ये यार ये दिस इज ये मार्जिन का, ये मार्जिन का प्रॉफिट दिया हुआ है, इसको ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक यूनिटली इसको मल्टीप्लाई किया हमने फिक्स कॉस्ट पर यूनिट के साथ, दिस इज मार्जिन कॉस्टिंग का प्रॉफिट दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे ओपनिंग स्टॉक को माइनस करेंगे क्लोजिंग को ऐड करेंगे तो हमारे पास एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का प्रॉफिट आ जाएगा। तो फिक्स कॉस्ट पर यूनिट कितनी, इसको मल्टीप्लाई किया हमने ओपनिंग स्टॉक से क्लोजिंग स्टॉक से। इसी तरह से अगर आपको एब्जॉर्प्शन का प्रॉफिट दिया हो तो ये वो ऊपर है हमारे पास, ये दिस इज, अगर एब्जॉर्प्शन का प्रॉफिट दिया हुआ है तो फिर हम इस तरह से करेंगे कि ये मेरे पास एब्जॉर्प्शन के थ्रू इतना प्रॉफिट आ रहा है हमारे पास, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक को मल्टीप्लाई करेंगे फिक्स कॉस्ट पर यूनिट के साथ, ओपनिंग ऐड होगा क्लोजिंग माइनस होगा, देन वी विल गेट द मार्जिन कॉस्टिंग। एक्सक्यूज मी सर, जी जनाब, सर ये जो है आपने सर ये जो ओपनिंग स्टॉक है ये मार्जिनल का जो सेट किया हुआ है और मार्जिनल का एक क्लोजिंग स्टॉक जो आपने माइनस किया हुआ है, लेकिन आपने जो एब्जॉर्प्शन की एडजस्टमेंट नहीं की। हाँ बेटा एब्जॉर्प्शन, सर मेरा कहने का मकसद ये है कि आपने एब्जॉर्प्शन से मार्जिनल को जो सब इट्स जस्ट नंबर ऑफ यूनिट्स, जरा मैं क्लियर कर दूं, जस्ट बेटा वेट करें, मैं एक एग्जांपल लेता हूं, अभी एग्जांपल ले लेते हैं, एक एग्जांपल पे अप्लाई करते हैं इसको हम, सपोज चले मैं यहां एग्जांपल लिखता हूं, चलो यहां लिख देता हूं, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का प्रॉफिट कितना है यार, एब्जॉर्प्शन का प्रॉफिट मैं आपसे कह रहा हूं 100,000 रुपए, चलेंगे 100,000, जस्ट 100,000 रुपीज है। ओपनिंग स्टॉक कितना है आपका, 200 यूनिट्स का। क्लोजिंग स्टॉक कितना है आपके पास, 600 यूनिट्स का। फिक्स कॉस्ट पर यूनिट कितनी है आपके पास, वो 2 की है, 2 ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट है। अब देखें जरा एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग प्रॉफिट गिवन है मेरे पास 100,000 की, मैंने ये 100,000 आ गया मेरे पास। अब ओपनिंग स्टॉक कितना है मेरे पास, ओपनिंग स्टॉक बेटा, ओपनिंग स्टॉक इस सवाल में हमारे पास 200 का गिवन है, जस्ट मैं एक दफा मार के चेंज करूंगा, चले ओपनिंग स्टॉक कितना मेरे पास 200 यूनिट्स का, और क्लोजिंग स्टॉक कितना मेरे पास 600 यूनिट्स का, मल्टीप्लाई करें इसको फिक्स कॉस्ट पर यूनिट के साथ, तो मल्टीप्लाई किया मेरे पास यहां पे क्या आ गया है, दिस इज 400 वो इसमें ऐड होगा, और इसको मल्टीप्लाई किया दिस इज 1200 वो यहां से माइनस होगा, यानी माइनस करें यहां से तो सिंपल 800 माइनस करने इसमें से तो क्या आएगा 99,200, दिस इज मार्जिनल कॉस्टिंग प्रॉफिट आ गया 99,200 मेरे पास क्या आ गया मार्जिनल कॉस्टिंग प्रॉफिट। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है बेटा सबको, अब मैं इसको मार्जिनल को रख के अब्जॉर्प्शन दोबारा करके दिखाता हूं आपको, चलें हम इस तरह से कर लेते हैं कि मैं आपको इसको मार्जिन को रखता हूं 99,200 है दिस इज, अब देखें जरा ये 99,200 है यार, 99,200 ये है मेरे पास, ये क्या है मार्जिन कॉस्टिंग प्रॉफिट। ओपनिंग स्टॉक कितना है मेरे पास 200 है, क्लोजिंग स्टॉक कितना है 600 है, फिक्स कॉस्ट पर यूनिट कितना है ये हमारे पास, तो ठीक है अब इसको मल्टीप्लाई करें 400 यहां से मैंने माइनस करना है और 1200 मैंने यहां पे ऐड करना है, तो मेरे पास 100,000 आ जाएगा, आई थिंक आइडिया हो गया होगा आपको। तो हमने क्या करना है, अगर एब्जॉर्प्शन का प्रॉफिट गिवन है तो एब्जॉर्प्शन के अंदर बेटा हमने हमेशा क्या करना है, क्लोजिंग स्टॉक को माइनस करना है, ओपनिंग को ऐड करना है। अगर मार्जिन का प्रॉफिट गिवन है तो ओपनिंग को माइनस करना है, क्लोजिंग को अपने ऐड करना है, दिस इज रिकंसाइल कि किसी एक का प्रॉफिट गिवन है तो दूसरे का प्रॉफिट हम यहां पे यूज करके कैलकुलेट कर सकते हैं। डन, इज इट डन बेटा, सबको बात समझ आ गई है। हम ये तो मैंने सिंपल सी एग्जांपल ली, कल मैं बड़े बड़े सवाल लूंगा, प्रॉपर हम सवाल लेके उसको अप्लाई करके दिखाएंगे। अभी तो मैंने एक सिंपल सी एग्जांपल ली कि एक कोई एक प्रॉफिट गिवन है,
तो यूनिट्स देखे ओपनिंग स्टॉक है यूनिट्स कितने, क्लोजिंग स्टॉक है यूनिट्स कितने, दोनों पुट करेंगे ना तो हमारे पास चेंज इन स्टॉक ऑटोमेटिकली आ जाएगा। इसको हमने मल्टीप्लाई करना है फिक्स कॉस्ट पर इनके साथ, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। जी आई थिंक ये चैप्टर खत्म हो गया यार, आई थिंक फॉर टुडे दिस इज सफिशिएंट। कल आपने आपकी एक असाइनमेंट, आपने वर्किंग करके आनी, क्या आपने वर्किंग करनी की एब्जॉर्प्शन और कॉस्टिंग मार्जिन कॉस्टिंग के एडवांटेजेस क्या है, मैंने आपसे पूछनी इनके एडवांटेजेस क्या, इनकी वीकनेसेस क्या है, ये कल आते साहब मैंने आपसे पूछनी है, और फिर हम कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। सो आई थिंक फॉर टुडे दिस इज सफिशिएंट, सो इंशाल्लाह वी विल कंटिन्यू टुमारो बेटा, आज के लिए ये काफी है, इंशाल्लाह कल कंटिन्यू करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच, टाइमिंग अभी यही रहेगी। Thank you.